स्टार्स के साथ दिखेंगे सलमान खान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीक्रास वीडियोस। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ 3D2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं राजीव राय और सलमान खान के नए प्रोजेक्ट 3D2 के बारे में, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से एक्टर ने सलमान की ज्यादातर मूवीज में विलेन का रोल प्ले किया है और कौन से एक्टर ले सकते हैं अमरीश पुरी की जगह 3D2 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर हम आजकल की मूवीज की बात करें तो फिल्मों में हीरो के अपोजिट जो विलेन होता है वो भी एक बड़ा एक्टर ही लिया जाता है। जब हीरो और हीरोइन की कास्टिंग हो जाती है उसके बाद डायरेक्टर का सबसे बड़ा फोकस जो होता है वो विलेन को चूज करना होता है, क्योंकि मूवी के हीरो के बाद विलेन पर ही सबका फोकस होता है। पहले के क्लासिक मूवीज के विलेन का लुक, नाम और कॉस्ट्यूम यूनिक होता था, जैसे कि अमरीश पुरी की मोगैम्बो, ठाकुर, भोजांग सिंह जैसे किरदार। लेकिन अगर आप सलमान की मूवीज देखेंगे तो उसमें विलेन का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि सलमान खान ने अमरीश पुरी के साथ 5 से 6 फिल्में की थी और उनमें से करण अर्जुन, जीत और गर्व जैसी फिल्मों में अमरीश पुरी विलेन के किरदार में थी। अमरीश जी के अलावा सलमान की फिल्मों में हमें प्रकाश राज और सोनू सूद 2 या 3 बार नजर आए थे और इन दोनों ही विलेन हीरो की जोड़ी काफी जमी थी। सलमान की हाल ही में आई मूवी राधे में विलेन का रोल रणदीप हुड्डा ने प्ले किया था, वो भी बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक विलेन में से एक है। राधे के अलावा सलमान और रणदीप ने एक साथ किक और सुल्तान में भी काम किया था। अगर हम त्रिदेव मूवी की बात करें जिसके रीमेक में हमें सलमान खान नजर आने वाले हैं, तो इस मूवी में विलेन भोजांग सिंह का किरदार अमरीश पुरी ने प्ले किया था। और अब सोचने वाली बात ये है कि इस मूवी के रीमेक में उनकी जगह कौन ले सकता है। सलमान के साथ काम कर चुके प्रकाश राज, सोनू सूद और रणदीप हुड्डा आज के बॉलीवुड के सुपरहिट विलन्स में से एक है, और उनके अलावा नील, नितिन, मुकेश, गुलशन ग्रोवर और रोनित रॉय भी कई फिल्मों में विलन कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि त्रिदेव में सलमान के अपोजिट कौन सा विलन आता है। साथ ही त्रिदेव में हमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ जैसे 3 हिट हीरोज एक ही मूवी में नजर आए थे, और त्रिदेव का मतलब ही 3 गॉड्स होता है, जिस पर से हम ये कह सकते हैं कि त्रिदेव के रीमेक में हमें सलमान के साथ साथ 2 और एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन की बात करें तो सलमान, अजय और अक्षय के ट्रियो को देखना फैंस काफी पसंद करेंगे। उनके अलावा सलमान, शाहरुख और रितिक, क्योंकि सलमान और शाहरुख को फिर से एक साथ देखना फैंस का एक ड्रीम है और सलमान और रितिक को हमने कभी एक साथ देखा नहीं है। आपके हिसाब से सलमान के साथ त्रिदेव में कौन से 2 एक्टर्स आएंगे और कौन सा एक्टर विलन के रोल में आना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।